हम किसी चीज़ की अमाउंट और क्वांटिटी को एक लिमिट लगाएंगे दैट विल बी कॉल्ड सर्टन कोटा और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्वांटिटी की लिमिट मोस्टली इनपुट्स के हवाले से भी हो सकती है लेकिन नेचुरली हम कई दफ़ा जो है वो इम्पोर्ट्स के हवाले से लगा रहे होते हैं अब अगर हम कहाँ कहें कि इसकी रीज़न क्या है ऑन वन साइड बिकॉज ऑन इम्पोर्ट्स मोस्टली वी हैव टू एनकर foreign exchange earnings and foreign an exchange earnings they are very precious for a country that is particularly a developing country and we have to earn those foreign exchange uh, with very limited amount of our production और हमारे लिए उसकी बहुत सारी अगर हम देखें तो opportunity cost बहुत ज़्यादा होते हैं so, in that sense में sometimes हम कुछ चीजों के ऊपर एक tariff लगा देती हैं कि इस amount से ज़्यादा के ऊपर जो है वो नहीं आएगा अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो हम दो चीज़ों को यूटिलाइज़ करें दैट इज़ कॉल्ड कोटा और दूसरी तरफ क्या हो सकता है प्राइस टैरफ तो ये दोनों तकरीबन एक ही तरीके से काम करते हैं अब ये कोटा इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी होगा कि इस क्वांटिटी से ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं करेंगे इस क्वांटिटी से ज़्यादा आप ख़रीद नहीं करेंगे इस क्वांटिटी से ज़्यादा आप सेल नहीं करेंगे तो इन दैट फॉर्म में अगर हम देखें तो इम्पोर्ट की चीज़ों के ऊपर हम सर्टन लिमिट लगा देते हैं और उसकी यूटिलाइजेशन के हवाले से एंटरप्रेन्योर को या प्रोड्यूसर को अगर वही कमोडिटी इस्तेमाल करनी है तो उसको वो कोटा जो है वो फॉलो करना होगा अब ये बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट कर रहा होता है जब इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी जो है वो इक्वेट कर रही है लेकिन कोटे की वजह से चूंकि अब हमने जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस कर दी तो उसकी प्राइस नेचुरली होती चली जाती और उसी तरीके से जिस तरह टैरफ है वो सप्लाई कर्व को अप लेफ्ट पे शिफ्ट कर देता उसी तरीके से जब हम कोटा इंपोज कर देते हैं तो वो भी सप्लाई कर्व को लेफ्ट साइड पे लेके जाएगा ताकि सप्लाई लेस हो सके नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द टैरफ एंड कोटा विद डायग्राम एंड वेन वी सी दैट दैट डिमांड फॉर दैट दैट इज बींग प्रोड्यूस्ड It is shown by this line that is downward slope and shown by D. And when we see that there is a supply line of S0, and that S0 line is equilibrium with this demand line, this point E, and at this point in the market, there will be the price P0, and the quantity Q0 will be supplied in the market. लेकिन अब हम इस पॉइंट के ऊपर जाके देखें तो अगर हम या गवर्नमेंट या एनी एजेंसी वहाँ पर कोई कोटा लगा देती है जिस कोटे का मतलब है कि अब इतनी चीज़ पे सप्लाई नहीं करना रादर सप्लाई जो है वो उससे कम होगी तो डेफिनेटली सप्लाई कर्व जो है वो यहाँ से लेफ्ट वर्ड को शिफ्ट करेगा अब जिस टाइम पे ये लेफ्ट वर्ड को शिफ्ट करता है तो आप देखें कि नेचुरली इस डिमांड के ऊपर अगर ये वाली सप्लाई कर्व को हम देखते हैं तो ये इस पॉइंट के ऊपर ये Q नॉट चला जाता है और इस पॉइंट पे अगर जाता है तो इससे रेलिवेंट प्राइस ये वाली बनेगी और उसी तरीके से अगर हम देखें कि अगर हम प्राइस को हाई करके कोई टैरफ लगा देते हैं जो यहाँ पे हमने P1 प्राइस हाई की और अगर यहाँ पे किया तो उससे भी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई रिड्यूस हो गई अब इससे ये वाला जो प्राइस का गैप है अगर ये टैरफ की फॉर्म में देखें तो इट इज दैट अमाउंट ऑफ द टैरफ मीन द टैक्स ऑन इम्पोर्ट जो कि गवर्नमेंट अटेन करती है तो इसका बेनिफिट सम टाइम्स टू इंक्रीज इन द एक्सचेक भी होता है और दूसरी तरफ पे कोटा लगाने का पर्पस टू सेव द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज भी हो सकता है और ये कोटा सम नॉट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ द इम्पोर्ट कंज्यूमर के यूटिलाइजेशन के लिए भी लगता है अगर आप देखें कि हम आ, शुगर को इम्पोर्ट कर रहे होते हैं अब माह रमज़ान के दौरान में चूँकि डिमांड फॉर शुगर सम टाइम्स अगर हम देखें तो कई दफ़ा दो ग्राम फ्लोर जिसको हम बेसन कहते हैं क्योंकि उसकी भी हमारे पास कई दफ़ा अगर डेफ़िशेंसी आ जाती है और उन दिनों उसके ऊपर बहुत हाई डिमांड आ रही हो तो गवर्नमेंट किसी भी कमोडिटी के हवाले से कोटा लगा सकती है कि मीन जिस किसी ने भी परचेज करना है या मार्केट से आके लेना है वो एक के जी या दो के जी या एक बैग से ज़्यादा नहीं लेगा तो इन एनी सेंस दिस कोटा कैन बी इम्पोज आइदर ऑन अ प्रोड्यूसर गुड और आइदर दिस कोटा कैन बी इम्पोज ऑन इवन एनी यू कैन से द कंज्यूमर गुड जिसमें हमने क्योंकि मार्केट की सूरत हाल में वेलफेयर को करना होता है या वो हम गवर्नमेंट की इंटेंशन ये होती है कि ये तकरीबन सब के लिए सप्लाई हो सके ज्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके अदरवाइज अगर सिर्फ प्राइस की बेस पे होगा तो माइट बी कि वो लोग द हु आर हैविंग मोर परचेजिंग पावर दे विल बी एबल टू गेट लेकिन दूसरे ना हासिल कर सकें तो इसीलिए उस चीज़ के लिए कोटा इम्पोज कर दिया जाए थैंक